बड़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में एजाज देशमुख जी को जो बनाया गया है और जमाल सिद्दीकी साहब हमारे हैदर आजम जी अरफात साहब और दूसरे जितने भी नेता है जो माइनॉरिटीज़ के इशू लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह इनसे संगठन बढ़ेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा किस तरह से आप देखते हैं नई टीम होगी या वही टीम साथ में काम करने वाली है, किस तरह से? देखिए, ये हमारा संगठन जो है, आपने सुना भी होगा, स्पीच में भी कहा गया है कि हमारा जो संगठन है उसने हमेशा यही कहा है कि हर नए लोगों को चांस मिला है, पुराने लोग जो तजुर्बेकार थे उनको भी हमने मार्गदर्शन के लिए रखा है। तो इस तरह से हर किसी को मौका मिलता है। ये वो पार्टी नहीं है कि जहाँ पर एक अध्यक्ष अगर है तो वो 20 साल तक अध्यक्ष रहेगा, ऐसा यहाँ पर इस पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जो आज हमारे होम मिनिस्टर भी और अध्यक्ष भी अमित शाह जी, उनका कार्यभार खत्म होने के बाद में उनको कार्य अध्यक्ष बना, उनको अध्यक्ष रखते हुए भी कार्य अध्यक्ष बनाया गया ताकि दूसरों को मौका मिले। तो ये पार्टी ने हमेशा यही किया है कि हर नए को मौका दिया है, पुरानों को मार्गदर्शन के लिए कहा गया है और उनका साथ और सपोर्ट के साथ में आज ये पार्टी 2 MP से आज हम इतने 333 तक आए। थैंक यू।